नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव कुमार। आप देख रहे हो डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को दी सब्सक्राइब और घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंच जाए। दोस्तों, आप वीडियो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या करके क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखे जाइए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये बात आप बेखूबी जानते होंगे कि हम पिछले आपके लिए मैं आपके इस चैनल पे सेकेंड बाई सेकेंड कार्स के वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन मैंने सोचा है क्यों ना हम आपके लिए जो ऑटोमोबाइल से संबंधित ऑटो कार्स, मतलब कार हो गई, बाइक्स हो गई और भी कुछ जो जानकारी होती है अपडेट्स, जो भी अब आप इस चैनल पर हम वीडियो बनाएं। तो मैंने देखा है कि अभी स्प्लेंडर प्लस का नया मॉडल लॉन्च हुआ है 2021 वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उस मॉडल के बारे में बात करें, उस मॉडल के बारे में आपको वीडियो बनाइए। दोस्तों, आज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेकेंड बाइक की नहीं है, आज हम ब्रांड न्यू बाइक की बात करने वाले हैं। दोस्तों, ब्रांड न्यू बाइक की बात करेंगे, टोटली इन रिव्यू करेंगे, रिव्यू करूँगा, प्राइस वगैरह सब बताऊँगा, कितना कंपनी एवरेज क्लेम कर रही है, माइलेज कितना इसका कंपनी कवर कर रही है, कंपनी कितना माइलेज इसका बता रही है, कितनी प्राइस है। तो दोस्तों, उससे पहले जो पहले उसके जो सिनेमैटिक शॉट मैंने करेक्ट किए हैं, आप वो सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए, फिर इसका टोटली अंडर रिव्यू करते हैं। पहले सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए। तो यार दोस्त, आपने सिनेमैटिक शॉट में देख लिया होगा, मैंने बाइक की हर एक चीज़ आपको दिखाने का कोशिश की। उसमें सबसे मेन आपने देखा होगा यार, उसमें जो ग्राफिक्स है ना, बिल्कुल एकदम चला जवाब ग्राफिक्स अबकी बार हीरो ने लॉन्च किया है। और जो अबकी बार हीरो का पिछले मॉडल में था, जो ब्लैक कलर वाला मॉडल आया था, उसमें हीरो का जो लोगो था ना, वो क्या था, 3D वाला नहीं था, तो अबकी बार 3D वाला लोगो इस पर लगा दिया गया और ग्राफिक्स को बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया गया है। पहले हीरो मतलब स्प्लेंडर के ग्राफिक्स को कुछ धीरे धीरे चेंज करा था, लेकिन अब की बार 100% चेंज कर दिया है। और भी इसके अलग अलग कलर है, वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उनके वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आपने ग्राफिक्स में सबसे बड़ा बदलाव इस गाड़ी में ग्राफिक्स से संबंधित हुआ है, ग्राफिक्स को टोटल ही चेंज कर दिया है और गाड़ी बिल्कुल एकदम न्यू लुक दे रही है, अब बिल्कुल शानदार लुक दे रही है पहले के बजाय, अब की इस ग्राफिक्स को चेंज करने के बाद। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मतलब रिव्यू की, क्या कंपनी माइलेज कवर कर रही है, कितनी प्राइस है, कहाँ पे क्या। तो दोस्तों, अगर आप नई स्प्लेंडर प्लस लेने का मन कर रहा है, आप मन बना रहे हो, प्लान बना रहे हो, तो रुक जाइए कुछ समय के लिए, आपने नियर बाय शोरूम से जाके संपर्क कीजिए, अगर वो वहाँ पे बाइक अवेलेबल हो गई है तो उसको ही परचेस कीजिए, पुरानी डिजाइन वाली हो क्यों परचेस कर रहे हो। और अगर अभी तक अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, जल्दी ही सभी शोरूमों में अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, अब कर लेते हैं इसका टोटली अंडर रिव्यू, बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इंजन में कोई बदलाव नहीं है, इंजन वही 97 cc का आ रहा है, 100 cc का नहीं आता है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना, 97.2 cc का इंजन इसका आता है। बात कर लेते हैं इसके पावर की, तो इसका पावर है जो 8.02 PS का इंजन पावर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रिक की, ट्रिक का मतलब इंजन से जो इंजन की क्लिच प्लेट्स की जो आती है उसको बोलते हैं ट्रिक। तो ट्रिक की बात करते हैं, इसकी ट्रिक है 8.0 N। दोस्तों, मैं बार बार नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने साइड डिटेल इधर नोट डाउन कर रखी है, तो इसमें देख देख के मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, पावर मैंने आपको बता दिया है 8.02 PS का है। ट्रिक की बात करते हैं, ट्रोक 8.05 Nm का है। बात करते हैं इसके ब्रेक्स की, ब्रेक ड्रम में ही आ रहे हैं, अभी चेंज नहीं है कुछ भी, ड्रम्स में ही ब्रेक अवेलेबल है।
दोस्तों बात करते हैं टायर टाइप, टायर कौन से टाइप के आ रहे हैं, तो दोस्तों टायर अभी ट्यूबलेस टाइप के ही मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं इंजन सिलेंडर की, तो इंजन सिलेंडर अभी वन ही अवेलेबल है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेंडर से मतलब बाइक के इंजन को सेफ्टी के लिए सिलेंडर आता है, आपने देखा होगा पहले नहीं आता था, ये 2015 के बाद 15-16 के बाद में ये स्पेशलिटी हीरो ने अप्लाई की थी। दोस्तों यार अगर मैं आपसे टोटली एक बात बोलना चाहूँगा, इसकी प्राइस में भी आपको आगे बताऊँगा एक्स शोरूम प्राइस क्या है। एक्स शोरूम प्राइस हर सिटी की अलग अलग हो सकती है, एक्स शोरूम प्राइस में ये फिक्स प्राइस नहीं है, इसके बाद इसमें इंश्योरेंस एसेसरीज और जो भी कुछ प्रक्रिया होती है वो सारे टैक्स वैक्स इंक्लूड करने के बाद थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये एक्स शोरूम प्राइस में आपको आगे बता, तो दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस में आपको बताने से पहले मैं आपको बोलूँगा यार अगर आप स्प्लेंडर प्लस लेने जा रहे हो तो रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, गाड़ी आपके शोरूम में आ जाएगी तब इसको परचेस कर लीजिए, वही प्राइस है जो पहले आ रही थी। तो दोस्तों इसके एक्स शोरूम प्राइस 68,000 रुपये है, ये एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, और एक्स शोरूम प्राइस अलग अलग सिटी की अलग अलग हो सकती है। एक्स शोरूम प्राइस के बाद इसमें इंश्योरेंस इंक्लूड हो जाता है, एसेसरीज इंक्लूड हो जाती है, और टैक्स इंक्लूड होने के बाद ये मेरे हिसाब से 80 और 85 के लगभग हो जाएगी टोटल इसकी प्राइस, लगभग बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन लगभग में इतनी ही होगी। दोस्तों यार ग्राफिक्स में तो इतना हीरो ने इतना बदलाव किया है, और कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा, बस ग्राफिक्स में चेंज कर दिया है जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। दोस्तों आज सेकंड हैंड बाइक का वीडियो बनाते बनाते मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर कर दी जाए, तो ऐसे अपडेट्स में बीच बीच में आपके लिए लाता रहूँगा सेकंड बाइक के साथ साथ। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को डेट कर सब्सक्राइब दिया, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो अपनी सेकंड बाइक की सीरीज भी चल रही है उसको नहीं छोड़ रहे तो आप उसकी रिक्वायरमेंट बताइए हमारे को कि आपको कौन सी बाइक चाहिए, उसकी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे सलामत रहे, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।